हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सपोर्ट। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश में जो योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत। तो 10 जून को जो पहली किस्त डलने वाली है, जो 10 जून को पैसा मिलने वाला है, तो पात्र महिलाओं को जो 1000 रुपये मिलने वाला है उन पात्र महिलाओं की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं, चलिए आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप वो है लिस्ट डाउनलोड किस प्रकार से कर सकते हैं या उस लिस्ट को चेक किस प्रकार कर सकते हैं, आपका नाम है या नहीं। जल्दी से जल्द आप उस लिस्ट में चेक कर लीजिए अगर आपने कुछ गलती कर रखी है। चलिए आपको वो भी इस वीडियो में संपूर्ण बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना, वहाँ पर सर्च करना है CM लाडली बहना योजना लॉगिन। इस प्रकार करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इस पर मैं सिंपली क्लिक कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभागीय यूजर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत या वार्ड के जो आपके वार्ड ऑफिस या ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी ID पासवर्ड लेकर यहाँ पर लॉगिन करना है, क्योंकि वो ही सिर्फ आपको डाउनलोड करके वो लिस्ट दे सकते हैं। या आप वहाँ से जाके सचिव से मांग सकते हैं कि मुझे लिस्ट दे दो या ID पासवर्ड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सॉरी दोस्तों, चलिए मैं एक बार पैक कर लेता हूँ, आगे प्रोसेस आपको उसके बाद बताते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट के बाद आवेदित पंजीयन सूची, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर संभाग, जिला, स्थानीय निकास, ग्राम पंचायत जोन, ग्राम वार्ड, क्षेत्र प्रकार, दिनांक आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी। तो आपको यहाँ से अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहते हैं तो वार्ड, क्षेत्र का प्रकार सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने केवल ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद मैं सिंपली सर्च पर खोजें पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप और भी कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर खोजे पर क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने एक लिस्ट आ गई है जो किस प्रकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं KYC की स्थिति हाँ है, आधार लिंक की स्थिति जिन लोगों की हाँ है, और DBT की स्थिति सही हाँ सक्रिय है, तो उन लोगों को 10 जून के 10 जून तारीखों को ही पैसा मिल जाएगा। और जिन लोगों का उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो है आपको पता है कि लाडली बहना योजना की साइट अपडेट हो चुकी है, जिन्होंने KYC और DBT सक्रिय करवा लिया है बैंक में, तो उनका जो है अब साइट पे भी अपडेट हो चुका है, पावती में भी अपडेट होके आने लगा है। तो जिन लोगों का अभी भी नहीं उपलब्ध है, नहीं और नहीं नहीं लिख के आ रहा है, तो उन महिलाओं को जो है 10 जून को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे ही वो DBT लिंक करा लेंगे तो 10 जून से 30 जून के भीतर उनका पैसा धीरे धीरे करके सभी का यहाँ पर डलने वाला है, क्योंकि पैसा सभी को मिलने वाला है। जिनका DBT सक्रिय होगा केवल उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जिनका अभी सक्रिय नहीं है वो करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन तो मारना मत भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला मिलता रहे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कन्फ्यूजन में ना रहें। अगर उनका उपलब्ध नहीं है तो जल्दी से जल्दी DBT सक्रिय करा लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।